क्या फैमिली मैन 2 के बाद द फैमिली मैन 3 से धमाल मचाएंगे मनोज वाजपेयी? क्या इस बार चीन से टक्कर लेंगे मनोज? और क्या होने वाली है इस वेब सीरीज की खास बातें और कहानी? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राफ स्टूडियोज, मैं सोनिका जयाल। दोस्तों, मनोज वाजपेयी की सुपर हिट वेब सीरीज द फैमिली मैन का दूसरा सीजन 4 जून को प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दिया गया था और इसे 3 जून की रात को ही रिलीज कर दिया गया। मतलब कि 4 जून को फिक्स डेट थी लेकिन एक दिन पहले ही रिलीज कर दिया गया। लंबे समय से इंतजार कर रहे फैंस के लिए अब एक और खुशी का मौका है। सस्पेंस और एक्शन से भरपूर ये थ्रिलर सीरीज दर्शकों को खूब पसंद आती है। इसके साथ ही लोगों ने अटकलें लगानी शुरू कर दी है कि अगले सीजन में क्या होने वाला है। फैंस अभी से ही ये जानने के लिए बेकरार हो रहे हैं। तो चलिए आपको बताते हैं आखिर सीजन 3 में ऐसा क्या होगा जो आप चौंक जाएंगे। आपको बता दें इसकी तैयारी ऑलरेडी शुरू कर दी गई है। इस बार श्रीकांत तिवारी और उनकी टीम का एक बिल्कुल नया मिश्रण होगा। सबसे दिलचस्प बात यह होने वाली है कि इस बार श्रीकांत की टीम सीधे चीन के सैनिकों से दो दो हाथ करती हुई नजर आएंगी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो द फैमिली मैन 3 कोरोना काल पर आधारित होगी। सूत्रों के मुताबिक इस बार द फैमिली मैन की तीसरे सीजन में वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों को भी दिखाया जाएगा। इस सीजन में भी मनोज वाजपेयी, शारिब हाशमी और प्रियमणि अहम किरदारों में नजर आएंगे। रिपोर्ट्स की माने तो तीसरे सीजन में चीन ने भारत को बर्बाद करने के लिए एक मिशन बनाया है जिसका नाम है गुआन यू। ये चीन के पूर्वी हान राजवंश के एक मिलिट्री अधिकारी का नाम था जिसको चीन में काफी महान माना जाता है। पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच अब श्रीकांत तिवारी अपनी टीम के साथ चीन में खुफिया मिशन पर चले जाएंगे। और द फैमिली मैन के पहले सीजन में मुंबई, दिल्ली, कश्मीर में शूटिंग हुई थी। अब दूसरे सीजन में हुई थी चेन्नई, लंदन, मुंबई और दिल्ली में। अब माना जा रहा है कि तीसरे जो सीजन की शूटिंग है वो भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में होगी। सूत्रों के मुताबिक इस बार मुंबई और दिल्ली के अलावा नागालैंड में भी इस तीसरे सीजन को शूट किया जाएगा। वहीं दोस्तों, मनोज वाजपेयी वेब सीरीज की दुनिया में एक अलग ही नाम बन चुके हैं और हाल ही में उन्हें द नाइट मैनेजर भी ऑफर हुई थी जो कि डेब्यू फिल्म होने वाली है और डिजिटल डेब्यू होने वाला है कहा जा सकता है ऋतिक रोशन का। और ये भी कहा जा रहा है कि मनोज वाजपेयी के पास डेट नहीं है जिसकी वजह से वो ये वेब सीरीज नहीं करना चाह रहे हैं फिलहाल। लेकिन फैंस चाहते हैं कि ज़रूर एक फिल्म ऐसी बने जिसमें आपको स्क्रीन पर दिखाई दें हमारे मनोज वाजपेयी और ऋतिक रोशन। तो दोस्तों, आपको कितना इंतज़ार है द फैमिली मैन 3 का, नीचे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियोज़ को।